इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बनाई और अब वो तीसरी बार चैंपियन बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। भारत को विश्व विजेता बनने के लिए 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को धराशायी करना होगा। इस वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल से पहले 10 मैच खेले और सभी मैचों में टीम को जीत मिली। इस जीत में टीम के बल्लेबाजों व गेंदबाजों का जबरदस्त योगदान रहा, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने इस खिलाड़ी को सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया है। कौन है ये गेम चेंजर खिलाड़ी, आपको इस वीडियो में सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि मेरे लिए श्रेयस अय्यर सबसे बड़े गेम चेंजर रहे हैं। वो चोटिल थे और फिर अपनी जगह के लिए संघर्ष किया और नॉकआउट मैच में 70 गेंदों पर शतक लगाया, जो अपने आप में अनबिलीवेबल है। वो फाइनल में भी भारत के की प्लेयर होंगे जब ग्लेन मैक्सवेल और एडम जंपा गेंदबाजी करेंगे। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए अब तक खेले 10 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 526 रन बनाए हैं। वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद चौथे ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत की तरफ से वर्ल्ड कप के एक सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप के पिछले 4 मैचों में 82, 77, नाबाद 128 और 105 रन की पारी खेली है। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में बैक टू बैक शतक लगाने की उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज कर ली। वहीं उन्होंने अपने पहले वनडे वर्ल्ड कप में ही सेमीफाइनल मुकाबले में शतक लगाने का कमाल किया और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की तरफ से गांगुली और कोहली के बाद शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। वो इंजरी की वजह से क्रिकेट के मैदान से लगभग 6 महीने तक दूर रहे थे और एशिया कप 2023 के जरिए उन्होंने मैदान पर वापसी की थी। खैर, आपके हिसाब से कल के मैच में इंडिया के लिए गेम चेंजर कौन सा खिलाड़ी साबित हो सकता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।